प्रतिष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं स्वयं प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल से, राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। और ये देखिए उन्हें शपथ करते हुए आपने देखा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें सम्मानित किया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यपाल महोदय, राजभवन से जहां शपथ ग्रहण समारोह राज्य सूचना आयुक्त को शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर वंदना गांधी, जो मध्य प्रदेश की राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। आपने देखा जब इस शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के सांदीपनी सभागार में आयोजित किया गया है और मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए पूर्व आईपीएस और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक का चयन किया गया है, नाम विजय यादव बताया जा रहा है, जबकि शिक्षाविद उमाशंकर पचौरी, समाजसेवी वंदना गांधी और सेवानिवृत्त जज ओमकारनाथ को सूचना आयुक्त के रूप में चयनित किया गया है। और ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के सांदीपनी सभागार में आयोजित किया गया है। और ये देखिए आप, जिन महानुभावों ने शपथ ग्रहण कर लिया है उन्हें पुरस्कार, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें फूल गुलदस्ता देकर बधाई दी जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण पूरा हुआ। तो देखिए हाल ही में जैसा कि हमने आपको बताया है कि लगातार जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और जो सूचना आयुक्त हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इस दौरान मैं डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, जो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। सूचना आयुक्त की शपथ ग्रहण किए हैं
और इनके पहले आपने सुना जब समाज सेवी वंदना गांधी ने भी शपथ ग्रहण की, और इस दौरान देखिए जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है, और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद इन्हें गुलदस्ता भेंट करेंगे और राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल सभी को शपथ दिला रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये देखिए जब राज्यपाल गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं, भोपाल के राजभवन के सांदीपनी सभागार की ये पूरी तस्वीरें आपके सामने जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो मुख्य सूचना आयुक्त, पूर्व आईपीएस और मध्य प्रदेश के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव ने शपथ ग्रहण किया। अब सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ को शपथ ग्रहण कराएंगे। मैं ओंकार नाथ, जो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो सुना आपने, सेवानिवृत्त जज हैं ओंकार नाथ, जिन्हें सूचना आयुक्त के रूप में चयनित किया गया और उन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण किया, और अब जो आगे की प्रक्रिया है हस्ताक्षर करके वो अपना कार्यभार जल्द ही संभाल लेंगे। और ये तस्वीरें एक बार फिर से राजभवन के सांदीपनी सभागार से जब मुख्य सूचना आयुक्त और साथ ही सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो देखिए गुलदस्ता भेंट करके उन्हें बधाई दी जा रही है, और ये तस्वीरें आपके सामने जिस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त करने के लिए